क्लास नाइन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसमें आज जो हम लोग करा रहे हैं ये आपका रिवीजन का रिवीजन है और ये कॉन्ग्रेंसी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, समझिए कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी है। तो एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन हम लिखते नहीं है, आप फिगर में जब बना रहे हैं तो वो फिगर से ही आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा कि आपके पास एक फिगर ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। ए बी सी डी आप फिगर देख रहे हैं इसमें। अगर आपके पास ए बी और ए डी इक्वल है, बी सी और बी डी इक्वल है, देन वी हैव टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। बी को एंगल डी के इक्वल करना है। तो सबसे पहले सिंपल सा ध्यान दीजिए, जब ज्योमेट्री जब हम लोग बनाते हैं तो उस समय बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि जो सिंपल फिगर दिया हुआ है उससे नहीं बनेगा, या जो गिवन है उससे नहीं बनेगा, उसमें उसमें कुछ अपने मन से कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन आपको समझदारी जब होगा तभी कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, और बनाए रहेंगे क्वेश्चन तभी कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और फट सोचते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करके बन सकता है ये, और कंस्ट्रक्शन भी करेंगे तो ऐसा रीजनेबल कंस्ट्रक्शन किया जाता है जो नहीं जो मन सो नहीं किया जाता है, मीनिंगफुल होना चाहिए कंस्ट्रक्शन। तो अगर हम लोग एंगल बी और डी को इक्वल करना चाहेंगे तो ए से सी को थोड़ा सोचिए आप, ए से सी को अगर ज्वाइन करते हैं तो दो ट्रेंगल बनेगा, एक ए बी सी बनेगा और एक ए डी सी बन जाएगा। दोनों ट्रेंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो ऑटोमेटिक सिंप्लिसिटी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग इस कंसेक्शन से ए और सी को ज्वाइन करेंगे। तो यहां पहले गिवन में लिख देते हैं हम लोग क्या, ए बी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है। बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी गिवन है। टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी को प्रूव करना है। तो फट से यहां पर आगे आपका इसका सॉल्यूशन बना है, लिखे हुए हैं। ये आपका एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक कंस्ट्रक्शन हो गया, लाइन शॉर्ट में लिखे कंस्ट्रक्शन, सी ओ एन एस टी लिख दिए, कंस्ट्रक्शन हो गया। ज्वाइन ए सी, ए से सी को ज्वाइन कीजिए आप। अगर आप ऐसे सीधा लाइन से ज्वाइन करते हैं तो ये पता नहीं चल पा रहा कि आपने कंस्ट्रक्शन किया या नहीं किया, कि पहले से फिगर है, इसलिए इसको डॉट लाइन नई लाइन का यूज करना चाहिए। देखिए अभी इससे हमने काट दिया, तो इसमें ज्वाइन ए सी, ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। अब प्रूफ में आएंगे, बहुत सिंपल बताए, जैसे हम लोग फिगर देख के बताए थे आपको, बस वही चीज है। ए बी इक्वल टू ए डी, यहां पर गिवन लिखा गया। बी सी इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन लिखा गया। ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन, कॉमन बाय कंस्ट्रक्शन लिखे, चलिए लिखे। देयर फोर ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल ए डी सी, ये आपका हो गया एस एस एस, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड ही है, एंगल का कहीं काम नहीं है। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी बाय सी बी सी डी। आप यहां भी लिख सकते हैं इसको, लाइन किस दी जगह काम कर, चाहे यहां भी लिखे, क्या दिक्कत है। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी सी बी सी डी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का कॉन्ग्रेंसी से था और ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। एक इसके बाद फिर कल रिवीजन ही कराएंगे, समझिए कि अभी हम लोग आगे नहीं जाएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब क्वेश्चन जहां से हम लोग का दूसरी जगह से आता है वहां पर पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल का भी चैप्टर वो लोग दे सकता है, तो इसको पढ़ाते पढ़ाते रिवीजन का रिवीजन भी हो जाएगा और इसके साथ हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल को भी ले लेंगे। अभी हम लोग पास बहुत टाइम है तो क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, तो उसको वीडियो को देखेंगे ध्यान से, तो आपको ऐसे भी ये समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग का ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का, अच्छा अभी जो रिवाइज हम करा रहे हैं, ध्यान से इस बात को देखेंगे, रिवीजन जो करा रहे हैं उस सब क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाने की कोशिश कीजिएगा,
उल्टा अपने मन से कुछ लिख दिए, कहाँ क्या लिखना है, जहाँ लिखना है वहाँ नहीं लिख करके दूसरे जगह पर लिखे हुए हैं, तो इस सबसे मार्क्स कटेगा आपका। तो सिस्टमेटिक ढंग से आप बनाने की कोशिश करेंगे हमारे। ओके थैंक यू। इसको स्कूल अर्थ में भी हम डाल देते हैं, दोनों जगह देखेंगे आप, इसको वीडियो को देखेंगे, और तो जब प्ले करेंगे तभी देख पाएंगे आप। और इसमें क्या है कि क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन लिखे नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कि फिगर देखते ही पता चल गया कि ए बी और ए डी इक्वल था, बी सी सी डी इक्वल था, तो एंगल बी और डी को जब इक्वल करना था, प्रूफ लिखना था कि एंगल, सॉरी प्रूफ लिखा हुआ है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो जब तक इसको हम लोग ए से सी को ज्वाइन नहीं करेंगे तो नहीं बन पाएगा। अगर बी बी से डी को ज्वाइन करेंगे तो फिर बी और डी एंगल फ्री नहीं हो पाएगा, फ्री नहीं होने के कारण से हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगा बनाने में, इसलिए कंस्ट्रक्शन यहाँ से यहाँ करने में भी हम लोग फायदा है कि इजी वे में बन जाएगा। ओके थैंक यू। अच्छा का क्लास द एंड।